करो करो यस सर, क्या कहेंगे पक्का? चलो 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 ओके जी सर, करो बोलो करो। आप लोग करना लायक यार, आज का जो कल की रैली है उसके बारे में वेट करते हैं। ओके ओके कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी असंध विधानसभा में अनाज मंडी में भारी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं चुनाव के दृष्टिगत, तो इसलिए ये प्रेस वार्ता आपके सम्मुख रखी है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी पत्रकार बंधु को छायाकार बंधुओं को प्रिंट मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। सर क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए तो योगी आदित्यनाथ आ ही रहे हैं, एक जो है अफवाह भी फैलाई जा रही है कि उनकी जो रैली है वो रद्द हो। देखिए हमारे संज्ञान में भी आया कि कुछ लोग ऐसी भ्रामक बात कर रहे हैं कि कल की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की रैली को रद्द कर दिया गया है, और हमें पता है वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मात्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हिंदू हृदय सम्राट है, वो भारतवर्ष में भगवा ध्वज के और सनातन के ध्वजवाहक हैं, वो जहां जाते हैं वो राजनीति का परिदृश्य बदल देते हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार के नए आयाम स्थापित किए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भय मुक्त शासन, जिस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा, गुंडों के विरोध में जो माफिया थे उनके विरोध में एक प्रकार से शासन प्रशासन को खड़ा करके भगा उनको भगा देना, इस प्रकार की छवि उनकी है। तो यहाँ के जो विरोधी पार्टियां हैं विशेषकर कांग्रेस या अन्य दल, वो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि शायद वहां लोग ना जाएं, लोग ना जा पाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी की बात को नहीं सुन पाएंगे। इसका मतलब उनके डर मन में डर है कि योगी जी को लोग सुनेंगे प्रभावित होंगे और हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा का जो है प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से प्रत्याशी जीत के जाएगा, तो इस डर के मारे वो एक जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हमारे पास संज्ञान में आया है जो भी उपयुक्त अधिकारी हैं उन तक हम इस बात का नोटिस दे रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे अन्य एजेंसीज हो, और उनके विरुद्ध जो भी नियमों के अनुसार बात बनेगी अधिकारी उस पर एक्शन लेंगे। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जो आपका संकल्प पत्र है किया गया। देखिए कांग्रेस का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने तो वही कुछ लिखा है जो वो पिछले 10 सालों से कर रही है पूरे प्रदेश में। विकास का एजेंडा है, विकास के एजेंडे में कुछ चीजें और जोड़ दी गई हैं, जैसे विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हमने ली हैं। कांग्रेस ने तो पहले भी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें घोषणा की थी कि हर बहन को हर माता को 1500 रुपये महीना देंगे, अभी लोकसभा चुनाव हुआ कह रहे थे खटाखट 8500 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में भेज देंगे, अब उनको लगता है। हम इस प्रकार की भ्रामक बातें करते नहीं हैं, हमने तो वो बातें की जो हमने धरातल में पहले की हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम हम करने जा रहे हैं। जनता को पता लग गया है कि कांग्रेस की भ्रामक नीति भ्रम फैलाने का जो काम है या झूठ बोलने का काम है उसका पर्दाफाश होने वाला है। मुझे तो यहाँ तक आपको भी सामने कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ तक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमें 50 या 100 वोट दिलवाएगा उसके घर में निश्चित रूप से नौकरी देंगे, यानी दलालों का शासन दोबारा से आने वाला है, दलाली करने वाले लोगों को प्रथम पंक्ति में ले आएंगे। आम आदमी जो होगा, गरीब आदमी जो है, जो इस बात की प्रतीक्षा करता है कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची योग्य है, उसको भाजपा के शासन में नौकरी मिली थी आगे भी मिलेगी, वो उनकी इच्छाओं के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं। शुक्र है उन्होंने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी, तो अब जनता के सामने साफ है कि हमने किसको सत्ता में लाना है, जिन्होंने 10 साल में अच्छा शासन दिया अच्छा प्रशासन दिया उनको लाना है, या जो ये झूठ बोल रहे हैं इनको दूर खदेड़ना है, ये जनता के हाथ में। योगी आदित्यनाथ के आने से योगी आदित्यनाथ के आने से कितना प्रभाव आप मानते हैं? देखिए वैसे तो हम पांचों की पांचों सीटें, क्योंकि मैं करनाल का काम देख रहा हूँ, पांचों की पांचों सीटें हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और हरियाणा में आज की तारीख में जहां तक मेरा आकलन है और अन्य एजेंसीज भी बता रही हैं कि 62-65 सीट आज की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जीत रही है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने। लेकिन फिर भी चुनाव का समय है, हर पार्टी के स्टार प्रचारक जो जाते हैं अपने प्रत्याशियों के लिए पक्ष में जाते हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो एकमात्र राजनेता की नहीं है, वो इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि अपने आप में एक संस्थान है, और वो जो बात कहते हैं वो कहते हैं जो वो करके दिखा चुके हैं, और वो प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है,
और जिस प्रकार का 10 साल का शासन हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के समय पे जो बड़े बड़े आयाम हमने स्थापित किए, चाहे नौकरियों में बिना खर्ची बिना पर्ची हो, चाहे बदलियों में कर्मचारियों की बदलियों में एक नीति बना करके काम किया, जिस प्रकार से किसानों को पूरे देश में अकेला एक भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश भी है जहां 24 फसलों पर हमने MSP देने का काम किया है, हमारा अकेला प्रदेश है जिसने पिछले 10 सालों में 12,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में फसल मुआवजे के रूप में या फसल बीमा के रूप में या भावांतर योजना के माध्यम से किसान के खाते में सीधे पहुंचाने का काम किया है। कोई बिचौलिया नहीं, राजीव गांधी की उस परिभाषा को हमने सच्चरितार्थ करके दिखा दिया कि अगर ईमानदारी से काम करना हो तो भाजपा के शासन में ये हुआ है। राजीव गांधी कहते थे 100 पैसे केंद्र से भेजता हूँ, 15 पैसे धरातल पर पहुँचते, 85 पैसे उनके समय के तत्कालीन जो अफसरशाही थी या राजनेता थे उनके घरों में पैसा चला जाता था। हमने बिना खर्ची बिना पर्ची और जितना भी सिस्टम बनाया है, पोर्टल खोले हैं, डायरेक्ट जो पेमेंट खाते में जाती है, चाहे वो मुआवजे के रूप में हो, चाहे किसी की पेंशन के रूप में हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए उनका जो महीने का अंशदान दिया जाता है उसके रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कोई बिचौलिया नहीं रह गया। किसान की पेमेंट हो चाहे फसलों की, वो भी डायरेक्ट उसके खाते में जा रही है। किसानों को जो अंशदान मिल रहा है वो भी डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर वर्ग इस बात से खुश है कि हमारे को दफ्तरों की अफसरशाही से, हमारे को दफ्तरों के दलालों से, हमें कांग्रेस के उन दलालों से छुटकारा मिला है जो नेताओं के घर तक ले जाने की भी पैसे ले जाते थे, बात करवाने की भी पैसे ले जाते थे। राहुल गांधी करनाल पहुंचे थे कल सुबह सुबह, राहुल गांधी करनाल पहुंचे थे, क्या क्या मांगते हैं? देखिए, चुनाव के स्थिति में आते, चुनाव के कारण आते तो निश्चित रूप से आप लोगों से रूबरू होते, आप 4 सवाल पूछते, उससे बच करके वो चले गए, चुप करके आना मानते हैं किसी व्यक्ति विशेष के कारण या व्यक्ति किसी व्यक्तिगत कारण के कारण है, लेकिन चुनाव का समय अपने आप को वो प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, उनको आना चाहिए था प्रेस के सामने। आप 4 सवाल पूछते, जनता के सवाल आप पूछते, जनता का अधिकार है उनसे सवाल पूछने का, तो उससे कट करके चले गए। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का उनका मनोबल है, मनोबल रसातल में गया हुआ है, इसलिए प्रेस के सामने नहीं आए। देखो, स्टार प्रचारक खाली नाम देने से नहीं होता है। स्टार प्रचारक का अर्थ ये होता है कि वास्तव में उसकी वो छवि है कि वो जाए तो उससे जनता अपने आप चल करके आए। हमारे पास तो सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं जो भारतीय पार्टी के, जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक है, और उससे भी ज्यादा वो आ रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी के शासन प्रशासन को देख करके उनको सुनने के लिए आ रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या बात कहता है। इस भारतवर्ष के वैभव को बनाने के लिए, इस भारत को जो है आधुनिक भारत बनाने के लिए क्या वो प्रोजेक्ट देख करके जा रहे हैं, क्या वो सपना लेकर के आ रहे हैं, और इस हिंदू समाज को जो सनातन समाज है इसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि विश्व भर में जो हमारा परचम लहरा है वो और ऊपर तक जाए, उनको सुनने के लिए लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब कोई पास की व्यवस्था है तो जरा बताइए। तो हमने उनको कहा पास की कोई व्यवस्था नहीं है, सबके लिए खुला है, आप आइए, आपके लिए पूरा पंडाल खुला है, आपका स्वागत है, और उस हिंदू हृदय सम्राट को सुनने के लिए सब आ रहे हैं। देखिए, उनके क्या वीडियो वायरल हो रहे हैं, हम तो अपना फोकस हमारा तो वो है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। मछली की आंख पर अर्जुन की नजर है, वो कुछ भी करते रहे, बरगलाने के लिए बोले, झूठ बोलने के लिए बोले, हमारे विरोध में कुछ भी बोलते रहे, हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल को जानती है। हमें यह भी पता है कि हमने एक गरीब घर से कमेरे वर्ग के प्रत्याशी को, अपने कैंडिडेट को, अपने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना करके भेजा है, और दोबारा से मुख्यमंत्री के उन्हीं के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हमारा तो सारा जो चिट्ठी है वो खुली है, हमारी किताब खुली है। कांग्रेस के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है, भ्रम फैलाने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास तो सत्य बोलने के लिए, हम जानते हैं सत्य हमारे साथ है। प्रदेश की जनता जानती है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने वाले, वो एक ऐसा चेहरा है जो किसी की तरफ देख लेते तो आदमी उनकी मुस्कुराहट पर, उनके व्यवहार से ही मोहित हो जाता है, और वो दावे से आज कह रहे हैं कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इतिहास हम रचने जा रहे हैं, और वो बड़े काम हम करने जा रहे हैं भविष्य में कि जो आज तक हरियाणा के इतिहास में हुए भी नहीं है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो नए नए आयाम स्थापित करके। भारत भूषण जी, ये बताइए कि आज असल की बात करते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पे एजेंडा यही है, तो कल की रैली से क्या पूरे हरियाणा में बड़ा संदेश जाने वाला? निश्चित रूप से जाने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर बोलेंगे, पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश सुन रहा है,
और अन्य प्रदेशों में भी जो चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, अन्य प्रदेशों में, उनके बोलने को लेख सुनते इसलिए हैं कि जो वो बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, चाहे किसी प्रदेश के बारे में हो चाहे पूरे राष्ट्र के बारे में हो। उससे प्रेरणा लोग लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो करेगी, क्योंकि जो कहा था वो किया है। सर, आप चुनाव प्रभारी हैं, जो योगेंद्र राणा असम से लड़े हैं, इनके लिए क्या कर देख रहे हैं? देखिए, अपार संभावना है। मैंने आपको कहा कि आज की स्थिति यह है, 62 से 65 सीटें हम जीत रहे हैं, उसमें असंध की सीट भी है, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। और योगेंद्र राणा पिछले कई सालों से हमारे संगठन के प्रमुख के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, संगठन के हर कार्यकर्ता की उनमें आस्था है, उन्होंने घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाया है। निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता और उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और जनता बड़े उत्साह के साथ उनके साथ जा रही है। जहां जहां वो रोज कार्यक्रमों में जा रहे हैं, सैकड़ों की छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर आके उनको सुन रहे, आशीर्वाद दे रहे और विश्वास दिला रहे कि राणा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछले 5 सालों के अंदर असंध में कोई विकास नहीं हुआ, सड़कों की हालत बुरी है, 10-10 फुट के लंबे खड्डे हैं, 2-2 फुट के लंबे खड्डे हैं, तो क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए किसी पे दोषारोपण करने का काम के लिए हम बैठे नहीं है, हम अपनी बात करने के लिए बैठे हैं। आप भी जानते हैं कि पिछली बार जो थोड़ी सी चूक हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बन के नहीं गया। हालांकि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में, और अभी जो थोड़ा सा 58 दिन का समय मिला है नायब जी को भी, उन्होंने हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में एक सा विकास करने के लिए एक सी धनराशियाँ भेजी। लेकिन जो स्थानीय विधायक होता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो सरकार के सामने प्रोजेक्शन रखता क्या है, योजना रखता क्या है, डिमांड रखता क्या है। अब उसमें मैं कहना नहीं चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया, जो हमारे हाथ में था वो हमने सब किया, लेकिन लोकल विधायक ने कोई इस तरीके की योजना असंध के बारे में अगर रखी होती तो निश्चित रूप से वो भी पूरी की होती। जनता को महसूस हो गया कि सरकार के साथ अगर विधायक अपना ना हो तो किस प्रकार का विधायक भी जो है वो काम नहीं करवा पाता, निश्चित रूप